इस साल 15 अगस्त के मौके पर फिल्मों का धमाका होने वाला है। लॉन्ग वीकेंड का फायदा हर फिल्म मेकर उठाना चाहता है। ऐसे में इस स्वतंत्र दिवस पर एक साथ कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। पहले खबर थी कि रोहित शेट्टी अपनी मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन को 15 अगस्त के मौके पर रिलीज कर अल्लू अर्जुन की पुष्पा को टक्कर देने की प्लानिंग में है। लेकिन आज ही अजय देवगन ने ऐलान कर दिया है कि अपनी फिल्म सिंघम अगेन दिवाली पर रिलीज करने जा रहे हैं। ऐसे में पुष्पा 2 का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन अब श्रद्धा कपूर की तीसरी 2 का भी ऐलान हो गया है। इस 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होने वाली है। इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर होने वाली है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की रिलीज का ऐलान पिछले साल ही हो गया था। ऐलान के बाद से ही ऑडियंस फिल्म के इंतजार में बैठी थी। इसी बीच सिंघम अगेन की उसी दिन रिलीज ने दोनों ही फिल्मों के मेकर्स को चौंका दिया था। दो बड़ी फिल्मों के साथ रिलीज का मतलब है कमाई का बंटवारा हो जाना। ऐसे में सिंघम अगेन ने अपनी रिलीज आगे बढ़ा ली है। खबर ये भी है कि किसी भी तरह के कलेक्शन से बचने के लिए मेकर्स पुष्पा 2 की डेट भी आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। अक्षय कुमार तापसी पन्नू फिल्म खेल खेल में नजर आने वाले हैं। पहले ये फिल्म सितंबर में रिलीज हो रही थी, लेकिन हाल ही में एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया गया था कि खेल खेल में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। ये फिल्म मुनसर अजीज ने डायरेक्ट की है। अक्षय और तापसी के अलावा वाणी कपूर और भी कई बड़े सितारे आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। स्त्री 2 की बात करें तो श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 को फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे। सिंघम अगेन के 15 अगस्त के स्लॉट से बाहर होते ही मेकर्स ने स्त्री 2 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि जॉन इब्राहिम की अपकमिंग एक्शन फिल्म वेदा भी 15 अगस्त को ही रिलीज होगी। इस फिल्म में जॉन इब्राहिम के साथ शर्वरी, तमन्ना भाटिया और भी कई बड़े स्टार्स आपको नजर आएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि 15 अगस्त पर ये जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, कौन सी फिल्म अपना बॉक्स ऑफिस पर दम दिखा पाएगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।